गुड मॉर्निंग। हाँ मैं ऑडिबल। यस सर। ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। टुडे वी विल डिस्कस टू और थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वैल्यू एथिक्स। ओके सो बेसिकली इट इज अ इजी वन एंड आई थिंक यू नो लिटिल बिट अबाउट इट। सो इट इज टोटली अ डिस्कशन मोड क्लास। ओके सो जो जो क्लास में ज्वाइन किए हो गिव योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। पुट योर नेम एंड रोल नंबर। ओके सो आई होप माई स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल राइट। स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली? यस सर, विजिबल है सर। ओके सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज द मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। ओके सो हैव यू हर्ड इट बिफोर दिस? ये जो मास्लोस हायरार्की है, एक डायग्राम हम तुम लोग के सामने रखे हैं। सो इज इट विजिबल? दिख रहा है ना? एम आई ऑडिबल क्लियरली? हेलो। यस सर। ओके सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ओके सो तुम लोग शायद इस थ्योरी को पहले जानते हो, आई थिंक सो। फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वैल्यू एथिक्स इन रिगार्डिंग वैल्यू एथिक्स सब्जेक्ट, ऑल्सो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और एनी अबाउट आवर लाइफ साइकोलॉजी। ओके सो दिस नीड्स हायरार्की, नीड्स ऑफ हायरार्की इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो ये बेसिकली क्या होता है, तो ये थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ करते हैं इसको। तो ऑलरेडी जो ये जो नोट है, ठीक है, सो मेरे को ये अच्छा लगा एंड काफी सिंपल से ये लिखा हुआ है। सो आई हैव पुट इट इन योर गूगल क्लासरूम। ओके सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर ऑल्सो और यू कैन चेक एनी एनी बुक्स। इट इज कॉमन टॉपिक एंड इट इज इन रिटन इन ऑल बुक्स। सो मास्लो हायरार्की बेसिकली एक जो है ह्यूमन बिहेवियरल हायरार्कियल मॉडल्स, ठीक है। तो एब्राहम मास्लो 1943 या के आसपास ये जो है ये मॉडल हम लोग के सामने ये रखा था एंड इट वाज ग्लोबली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम। सो व्हाट डज इट मीन बेसिकली मास्लो हायरार्की, ये होता क्या है एंड इसको हायरार्की भी क्यों बोला जा रहा है? सो तुम लोगों में से कोई इसका नाम पहले सुने हो, मास्लो हायरार्की? देखो वैल्यू एथिक्स क्लास है, अगर डिस्कशन नहीं करोगे सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्लास नहीं है कि ये वन डायरेक्शनल हम से बक बक करते गए। तो इसमें तुम लोग भी कुछ बोलोगे, हम भी कुछ बोलेंगे, तभी जाके एक कंक्लूशन या फिर एक कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट्स हम लोग के सामने निकल के आएगा। अदरवाइज मतलब ये क्लास का
जैसा है तो बुक से भी तुम लोग पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये डिस्कशन करने से क्या होता है, ये टॉपिक का थोड़ा सा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। सो अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेल दैट सर आई हैवंट हर्ड दिस बिफोर दिस। सो इसका कोई तुम लोग सुने हो मास्लो हायरार्की के बारे में? जो लोग लेट करके ज्वाइन किए हो पुट योर नेम एंड रोल नंबर इन द चैट बॉक्स। कोई कुछ नहीं बोल रहा। शिवांगी आर यू देयर? यस सर। ओके सो ये मास्लो हायरार्की के बारे में कभी सुने हो? नो सर। ओके नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली ये जो मास्लो हायरार्की है एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इट इज अ मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ अ साइकोलॉजी कंप्राइजिंग अ फाइव टायर मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स। ओके पांच लेवल पे इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या बोला जा सकता है, इफ आई कम टू द पिक्चर। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये मास्लो हायरार्की काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तुम लोग ध्यान से सुनो, काफी इंटरेस्टिंग भी है। सो मास्लो एक मतलब मैनेजमेंट साइंटिस्ट जो कि ये मॉडल हम लोग के सामने रखा था, तो उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले जो है हम लोग का कुछ बेसिक नीड्स हम लोग को चाहिए लाइफ में, ठीक है। मास्लोस नीड्स ऑफ हायरार्की। सो सबसे पहले बेसिक जो नीड है तो उसको हम लोग इस कैटेगरी से लिख सकते हैं, दैट इज अवर फिजियोलॉजिकल नीड। ओके फिजियोलॉजिकल नीड, तो सबसे पहले हम लोग को ये नीड फुलफिल होना चाहिए। तो अगर ये मान लो ये टायर वन नीड है, ठीक है, लेवल वन, तो ये नीड अगर फुलफिल हो गया तो हम लोग जाएंगे सेकेंड नीड, सेकेंड लेवल के तरफ, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड लेवल के तरफ, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो इसी तरह से हम लोग का जो है ना नीड फुलफिल होता है। तो ये हायरार्की से बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। नाउ तुम लोग बोलो, सपोज मान लो तुम एक नया शहर में नया एक जॉब करने के लिए, सपोज मान लो लेट टेक एन एग्जांपल, यू स्विच टू चेन्नई। ओके तो सबसे पहले तुम क्या क्या ढूंढोगे उधर रहने के लिए, या फिर तुमको क्या चाहिए सबसे पहले, क्या चाहिए, जस्ट टेल मी सर। रेसिडेंशियल एरिया। ओके सो फर्स्ट मान लो तुम अगर उधर कोई जाते हो कोई एक जॉब पर्पस के लिए, तो तुमको एक रेसिडेंशियल दैट मींस एक एकोमोडेशन की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके उसी के साथ साथ तुमको कुछ चाहिए, फूड्स वगैरह है ना, फूड्स दैट मींस शेल्टर, ये सब की नीड है, ये तो बेसिक नीड है ना। अगर खाना खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान जो हम लोग बोलते हैं बेसिकली, है ना, तो वो चीज अगर नहीं रहेगा तो काम तो बाद में आएगा। सबसे पहले तो आगे उसी का जुगाड़ हम लोग लगाएंगे कि हम लोग कहाँ पे जाके ठहरेंगे, कहाँ पे हम लोग का खाने का बंदोबस्त है। सभी कोई जगह पे हम लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब मान लो कोई आदमी स्विच करता है, कोई रिलोकेट करता है, कोई एक जगह से फैमिली लेके दूसरा जगह पे चले जाते हैं, तो सबसे पहले आदमी वही करेगा ना, अपना एक घर लेगा या फिर वो किराए में लेगा या खरीदेगा, एक फ्लैट लेगा, जो भी कुछ होगा। तो ये जो नीड्स है ये होता है फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। ये सबसे पहले हम लोग का फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स इसमें हम लोग का जो चाहिए, हम लोग का नींद मतलब स्लीपिंग के लिए एक जगह चाहिए, ब्रीथिंग हम लोग सांस लेने के लिए चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। दीज आर ऑल वेरी वेरी बेसिक क्राइटेरिया व्हिच इज एसेंशियल टू डू एनीथिंग। कोई भी कुछ भी करो ये चीज तो तुमको चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज यू कैनॉट सर्वाइव। क्लियर हुआ? तो ये जो है ये फिजियोलॉजिकल नीड हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो ब्रैकेट ब्रैकेट में कुछ कुछ हम लोगों का लिखा भी हुआ है, ठीक है। यू कैन टेक इट फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो, इट इज टेकन फ्रॉम इंटरनेट, इट इज टेकन फ्रॉम इंटरनेट। सो यहाँ पे जो है ये कौन सा वेबसाइट से लिया गया है वो भी दिया हुआ है। ओके नाउ यू टेल मी
दैट अगर तुमको ये रोटी कपड़ा मकान अगर मिल गया, ठीक है ना, तो उसके बाद तुम क्या ढूंढते हो? जस्ट हम एक तुम लोग का रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ ही इसको क्लियर कर देने का कोशिश कर रहा हूं. बोलो, रोटी कपड़ा मकान हो गया, अभी क्या करोगे? जॉब. जॉब, ओके. सो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इसमें उसके बाद क्या आता है. उसके बाद आता है सेफ्टी. ओके, सपोज मान लो तुमको रोटी कपड़ा मकान तो मिल गया, उसके बाद क्या तुम करोगे कि तुमको सेफ फील करना होगा ना उस जगह पे, उस पोजीशन पे. अगर मान लो तुम तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग आ रहा है, या फिर उस एरिया में तुम रह ही नहीं सकते हो, ठीक है, मान लो तुम ऐसा एक जगह में चले गए हो, उधर कुछ ना तो लैंग्वेज समझ में आ रहा है, ना तो दूसरा कोई एक कम्युनिटी के द्वारा कोई भी मतलब एब्यूजिव टॉक हो सकता है ना. तो ऐसा एक चाहिए कि हम लोग को तो खाने का लिए तो चीज मिल गया, अभी हम लोग जो क्या है, एक सेफ फील करना चाहते हैं कोई भी एक जगह पे, तभी तो जाके हम लोग काम कर सकते हैं. तो इसको बोला जाता है सेफ्टी नीड, व्हिच कम्स आफ्टर द फिजियोलॉजिकल नीड. ओके, सो इफ आई रीड दिस स्लाइड यू कैन चेक दैट फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर क्या क्या आ रहा है. दीज आर बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. दैट मीन्स फूड, ड्रिंक, शेल्टर, क्लॉथिंग, वार्म्थ, सेक्स, स्लीप. Like this, okay? If these needs are not satisfied of human body cannot function optimally. So ये सब needs जो है, जैसा कि रोटी कपड़ा ये सब जो बोल ही रहे हैं, क्लॉथ्स चाहिए, ये सब अगर नहीं रहेगा तब तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. इस ये नीड अगर फुलफिल हो जाएगा उसके बाद वो क्या देखेगा, सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स का मतलब क्या हो रहा है कि वंस एन इंडिविजुअल फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, the needs for security and safety becomes salient. Okay, people wants to experience order, predictability and control in their lives. So, uske baad suppose maan lo ek example yahan pe liya gaya hai ki police, schools, business and medical care, hai na. To hum aisa ek jagah pe rehna chahte jahan pe kuch niyam kanun hona chahiye. Ek पुलिस मान लो, एक मेडिकल हॉस्पिटल, क्लिनिक, ये सब होना चाहिए, तभी तो जाके तुम सेफ फील करोगे. नहीं तो अगर मान लो कुछ बीमारी हो गया तो कैसे, क्या करोगे उधर अगर कुछ ट्रीटमेंट नहीं है तो, ठीक है. तो सेफ्टी नीड्स मतलब वो खाना के बाद, खाना रहने का जगह के बाद आदमी जो है एक सेफ्टी नीड ढूंढता है, ठीक है, क्लियर. तो वो भी अगर फुलफिल हो गया उसके बाद कौन सा नीड आता है, दैट इज द लव और बिलोंगिंग नीड्स. ओके, सो इसमें क्या बोला जाता है, सो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में, तो अभी जो है तुम्हारे पास कोई भी एक जगह में तुम नया गए हो, तो वहां पे तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान ये सब जो चीज है ये मिल गया, उसके बाद सेफ्टी भी मिल गया. सेफ्टी मिल गया मैं दैट मीन्स अगर मान लो तुम एक जॉब कर रहे हो, अगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो कोई भी एक जॉब कर रहे हो तो उसमें तुमको हर मंथ मान लो सैलरी मिल रहा है, या फिर कोई भी एक बिजनेस कर रहे हो उसमें यू आर अर्निंग अ सम अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज आई थिंक सफिशियंट फॉर योर लाइफ लीडिंग. ओके, सो इसमें अगर तुमको सैलरी भी मिल रहा है, तुमको सेफ्टी भी हो गया है, तुम्हारे पास रहने खाना का भी इंतजाम हो गया है, देन क्या होता है, दैट लव एंड बिलोंगिंग्स. दैट मीन्स उस समय देखो फ्रेंडशिप, फैमिली, ये सब चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना. आदमी जो है अकेला, अगर मान लो कोई एक अकेला रहता है तो ही बिकम सो लोनली, तो वो एक क्या होता है, एक सोशल, एक इम्पैक्ट, सोशल एक वैल्यू वो चाहता है कि उसका भी कुछ फ्रेंड्स हो, ताकि उन लोगों के साथ एक हैंगआउट पे जा सके, कुछ टाइम बिता सके, अपना एक फैमिली हो, है ना, जो कि वो उन लोगों को केयर कर सके, वाइस वर्सा वो लोग भी अपने को केयर कर सके. तो इस तरह से एक फैमिली का भी नीड होता है, व्हिच इज दैट मीन्स लव एंड बिलोंगिंग, है ना. तो ये सेफ्टी नीड के बाद वो वाला आएगा. सो देखो लव एंड बिलोंगिंग के अंदर कि आफ्टर फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स हैव बीन फुलफिल्ड, the third level of human needs is social and involves feelings of belongingness.
belongingness refers to a human emotional need. That means it comes under the emotional need. Okay, so ये need clear हो गया, love and belonging. इसके बाद क्या आता है, esteem और self esteem भी sometimes बोला जाता है. Okay, this is a very very important one. तो तुम एक family भी मान लो हो गया है, उसके बाद esteem need आता है. तो esteem need के अंदर क्या होगा, सब कुछ मान लो एक हो गया है, तब जाके एक आदमी का क्या सोच आएगा कि now I have to do something, मतलब जिसमें कि सोसाइटी में उसका एक वैल्यू आ जाए. ठीक है, सपोज मान लो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, सपोज मान लो कोई एक डॉक्टर हो गया है ना, अपने नाम के पहले एक डॉक्टरेट ऐड किया, पीएचडी कंप्लीट कर लिया, या फिर सीए ऐड किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर एलएलबी ऐड किया. तो हम लोग जैसा बोलते हैं एलएलबी है ना, एलएलबी राहुल समथिंग लाइक दिस. तो वो क्या कर रहा है, एक सोसाइटी में अपना एक पहचान बनाने का कोशिश कर रहा है ना, कि सब कुछ तो मेरे पास है, अभी एक जो है हम एक सोसाइटी में अच्छा एक पोजीशन हासिल करना चाहते हैं ताकि हमको लोग वैल्यू दे. सपोज मान लो इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, लोग जो है अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदता है, ब्रांडेड कपड़ा है ना, ताकि एक ये तो होता ही है एक समाज में, मान लो एक उसका एक वैल्यू रहे है ना. अच्छा कोई कार खरीदता है, अच्छा कोई एक मोबाइल खरीदता है ना, थोड़ा सा कॉस्टली, ताकि सब कोई दिखे नो मतलब बंदा के पास है पैसा है और जो भी है. तो अपना एक पहचान बनाना चाहता है आदमी. तो ये जो नीड होता है, ये होता है सेल्फ एस्टीम नीड. ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब कुछ लोगों से अलग करके. ठीक है, क्लियर. सो इसमें देखो क्या लिखा गया है कि एस्टीम नीड्स आर द फोर्थ लेवल इन मास्लोज हायरार्की एंड इंक्लूड सेल्फ वर्थ. मतलब आदमी जो खुद के बारे में सोचने लगता है, सेल्फ वर्थ. ठीक है, accomplishment and respect, that means respect ढूंढता है ताकि बाकी समाज का जो लोग हो वो उन लोग उसको respect दे. ठीक है, clear हुआ. So ये need भी अगर fulfill हो जाता है, मान लो उसको एक अच्छा खासा position भी हासिल हो गया है ना, एक reputed company में मान लो नौकरी कर रहा है, वो एक boss हो गया या जो भी है इस तरह से, तो उसके बाद जो उनको चाहिए दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. इट इज द टॉप मोस्ट हायरार्की. तो बोला जाता है कि ये नीड जो है कभी 100% फुलफिल नहीं होता है. अगर ये फुलफिल हो गया तो ये तो गॉड हो जाएगा है ना, गॉड हो जाएगा. तो इसमें क्या आता है, देखो इसमें लिखा हुआ है मोरालिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडाइस. That means इस नीड में आके आदमी ये सोचता है कि वो किस लिए, मतलब उनका जन्म हुआ है. ठीक है, किस लिए वो इस धरती पे आए हैं वो सोचने लगते हैं. That means सब कुछ उनका फुलफिल हो गया है लाइफ में. ठीक है, अभी जो है वो उसका खुद का वैल्यू, that means who am I. क्लियर हुआ. सो ये जो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तब वो जाके सोसाइटी के बारे में कुछ सोचने लगते हैं, सोसाइटी में उसका क्या वैल्यू है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, किस लिए वो आए हैं इस धरती पे. ठीक है, इस टाइप का हाई थिंकिंग जो नीड्स है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो इसको साइड में भी लिखा हुआ है, देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट. तो तुम लोग का मास्लो हायरार्की एक शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा के दे सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इन मास्लोज हायरार्की. So, देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन साइट पे लिखा हुआ है कि अ पर्सन्स मोटिवेशन टू रीच हिज और हर फुल पोटेंशियल. ठीक है, एज शोन इन मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, अ पर्सन्स बेसिक नीड्स मस्ट बी मेट बिफोर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन बी अचीव्ड. तो ये नीड फुलफिल होने से पहले बाकी जो लोअर लेवल नीड्स है, दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग्स, एस्टीम्स, ये सारा लेवल उनका फुलफिल हो जाना चाहिए, उसी के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है. ठीक है, सो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इसमें भी काफी लोगों का मतलब बोलना है कि नो दिस इज नॉट ऑल द टाइम करेक्ट है ना. एक दो एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. सपोज मान लो भगत, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ भगत सिंह
ओके सो बोला जाता है कि वो जो शुरू से ही उनको ये फिजियोलॉजिकल सेफ्टी लव एंड बिलोंगिंग्स उस सब नीड से ज्यादा है ना, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब प्रोकट मतलब मेन मुख्य उनके उन लोगों के में हो जाता है। तो वो पहले से ही मतलब एकदम बचपन से ही ठान लेता है कि नो वी नीड द फ्रीडम, कंट्री को फ्रीडम करवाना है, ठीक है, वी नीड फ्रीडम। सो ये जो है इसके लिए वो इंग्लिश से मतलब जो ब्रिटिश है उन लोगों से लड़ पड़े, या अल्टीमेटली तुम लोग जानते भी हो उनका फांसी भी हुआ। सो दैट इज द थिंग। तो उन लोगों के लिए मतलब ये बिलोंगिंग्स ये सब चीज काम नहीं करता, लेकिन इट इज अ एक्सेप्शन केस, ठीक है। ये जो हायरार्की है, दिस हायरार्की इज मेड फॉर कॉमन पीपल, ठीक है ना, आम लोगों के लिए है। तो अगर ऐसा अगर कुछ है, देखो ऐसा भी तो होता ही है कि लोग जो है विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी फैमिली और आई मीन लव एंड बिलोंगिंग, ओके, लोग काम करते हैं एक दूसरे जगह पे जाके सोशल वर्क करते हैं जिसमें से वो पैसा भी नहीं लेते हैं। तो उसमें बहुत सारा जो है उन लोग का थॉट जो है, दैट मीन्स एस्टीम नीड जो है वो मुख्य हो जाता है उस समय, है ना, मेन हो जाता है रेदर देन दिस थ्री नीड्स। सो ये जो है ये बेसिकली जो है हम लोगों का एक कॉमन रेस्पेक्ट है, जिसमें कि मोटिवेशनल मतलब ये हायरार्की से फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड इज अ मोटिवेशनल थ्योरी इन साइकोलॉजी कंप्राइजिंग अ फाइव टायर मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स ऑफन डिस्प्यूटेड एट डिपिक्टेड एज अ हायरार्कियल लेवल विद अ पिरामिड। ओके सो ये जो नीड है, ये नीड से हम लोगों का पता चलता है कि किस लेवल पे हम लोग हैं एंड किस लेवल पे हम लोगों को जाना चाहिए। सपोज मान लो एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे, तो सबसे पहले ये जो फिजियोलॉजिकल नीड है, किसी को एक कंपनी में जॉब मिला है, सबसे पहले जो बेसिक क्राइटेरिया है क्या होना चाहिए, कैन एनीबॉडी टेल मी, एक कंपनी में किसी को जॉब मिला है तो सबसे पहले उनको क्या चाहिए? Anyone there? बोलो कोई। एक कंपनी में किसी को जॉब मिला है, सबसे पहले क्या चाहिए? एक कंपनी में किसी को जॉब हुआ है न्यू, तो उनको सबसे पहले क्या चाहिए? आर यू लिसनिंग? ओके सो सबसे पहले जो चाहिए दैट इज द सैलरी। ओके सैलरी नहीं मिलेगा तब तो वो कोई काम ही नहीं करेगा, तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वाला स्टेप अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो फिजियोलॉजिकल नीड में वो चीज आ जाएगा, ठीक है। चलो सैलरी मिल गया, मिल रहा है अभी, तो अभी उसके बाद क्या चाहिए? सेफ्टी नीड्स, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो सेफ्टी नीड के अंदर क्या हो जाएगा, दैट मींस उसको जो है कुछ बोला जाना चाहिए कि नो यू आर इन ए प्रोफेशन पीरियड और ट्रेनिंग पीरियड, अगर कोई न्यूली ज्वाइन किया है सो तुमको 6 महीना या 1 साल टाइम दिया जाएगा प्रोफेशन पीरियड, उसके अंदर तुम काम सीखो या ट्रेनिंग लो। ओके सो लाइक दिस,
और अगर दूसरा तरह से देखेंगे तो सेफ्टी नेट, मतलब उसको मान लो किसी तरह से पेंशन दिया जा सकता है ताकि उसका जो लॉन्ग मतलब फ्यूचर लाइफ है वो सिक्योर हो जाए, है ना। पीएफ दिया जा सकता है, प्रोविडेंट फंड, इस तरह से जो है आदमी को सिक्योर किया जा सकता है। हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेफ्टी नीड भी फुलफिल हुआ, चलो उसको जो है अभी सैलरी भी मिल रहा है, साथ ही साथ पेंशन भी मिल रहा है, नौकरी भी थोड़ा सा सेफ है, जल्द ना जल्दी टर्मिनेट होने का कोई चांसेस नहीं है, नाउ ही फील्स सेफ, ओके सेफर। उसके बाद क्या होगा, लव एंड बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग दैट मीन सब कुछ अगर मिल रहा है देन जो है लव एंड बिलोंगिंग मतलब उसको समाज में मतलब एक वैल्यू चाहिए। तो कंपनी के अंदर क्या हो गया, कंपनी के अंदर ऐसा किया जा सकता है कि उस एम्प्लॉय के बीच में एक इंटीरियर मतलब इंटरनल कुछ गेम्स का इंतजाम किया जाए या फिर कोई प्रोग्राम का इंतजाम किया जाए, है ना, एक पिकनिक का इंतजाम किया जाए ताकि एक दूसरे से लोग मिले, क्लियर हुआ। और लव एंड बिलोंगिंग मतलब मान लो कंपनी का जो पार्टनर्स है, दैट मीन्स जो एम्प्लॉयर है या मैनेजमेंट लेवल पे जो लोग है, सपोज कोई एक अच्छा काम कर रहा है तो जो है कुछ उनको उनको कुछ शेयर्स होल्डर प्रोवाइड किया गया, मतलब शेयर्स के अंदर उसको इंक्लूड किया गया। तो इस तरह से जो है उसको जो है बाकी टोटल कम्युनिटी के साथ अटैच करने का जो तरीका है ना, तो वो हो गया हम लोगों का लव एंड बिलोंगिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एस्टीम नीड, दैट मीन्स एक पहचान चाहिए, है ना। तो उसमें कोई एक एम्प्लॉय मान लो अच्छा काम कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको मान लो कुछ पोजिशनल हाइक दे सकते हो, है ना। कोई जूनियर असिस्टेंट है उससे जूनियर से सीनियर असिस्टेंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, सैलरी में उसको हाइक दिया जा सकता है, या फिर कोई रिवार्ड दिया जा सकता है कि नो ही इज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, राइट। बहुत सारा कंपनी में ये सब होता भी है, इफ यू क्लोजली लुकआउट ये सारा सब चीज जो है होता है। ये किस लिए होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोटिवेशनल हायरार्की, है ना। एक दूसरे से मतलब आदमी को जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए जो है आदमी के अंदर मोटिवेशन की जरूरत चाहिए। मोटिवेशन अगर नहीं रहेगा तो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, मोटिवेशन, है ना। तो कंपनी समझ जाता है कोई एक किसी का नीड क्या है, उसी के आधार पे उसको ट्रीट किया जाता है ना। ये सब्जेक्ट किस लिए रखा गया है, ताकि तुम लोग भी कोई ना कोई कंपनी में जब जाओगे तुम लोग भी इस चीज को समझो, किस लेवल पे तुम लोग रहोगे, किस लेवल पे तुम लोग जाना चाहते हो, क्योंकि एम्प्लॉयर या फिर कंपनी समझ जाएगा और उसी हिसाब से तुम लोगों को भी हैंडल किया जाएगा कि नाउ इन व्हिच लेवल यू आर, क्लियर। सपोज मान लो तुम एक काम कर रहे हो, सैलरी मिल रहा है, काम कर रहे हो, उसमें कोई मान लो तुमको ना तो हाइक मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तो एक फ्लैट लाइफ हो जाएगा ना। तो तुमको और जिंदा रहने के लिए और इच्छा नहीं होगा मतलब, तो उसमें जो है इसीलिए अगर मान लो तुमको एक जूनियर लेवल से सीनियर लेवल में पोजीशन हाइक मिला या फिर सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, है ना, बहुत सारा चीज हो सकता है। सपोज मान लो तुमको एक मतलब सब ब्रांच से हेड ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया, है ना, सिटी ऑफिस में। सपोज मान लो रूरल एरिया में तुम काम करते हो तो उधर से तुमको एक मेन सिटी ऑफिस में सपोज मान लो बैंगलोर में है तो वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया तो तुमको अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। तो आदमी को हमेशा को जो है एक मोटिवेशन चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इस केस में जो अच्छा काम कर रहा है तो उन लोगों को कुछ अलग करके ट्रीट किया जाना चाहिए, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एस्टीम, क्लियर हुआ। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस नीट में कंपनी में क्या आता है, तो इसमें जो है बड़ा बड़ा मतलब जो लोग सारा कुछ नीट जो है फुलफिल हो गया है, अभी वो लोग मतलब सोचेंगे कि नो मेरा तो बहुत हो गया, ठीक है मेरा तो बहुत हो गया, अभी जो है इस कंपनी ही मेरा ध्यान एंड ज्ञान है। शुरू से मतलब तो एक एम्प्लॉय थे जिसमें तो छोटा सा मतलब सैलरी नहीं मिलने से वो काम नहीं करता, है ना। लेकिन अभी जो है इस केस में मान लो कंपनी ही इसका लाइफ है, तो वो उसको कैसे मतलब ठीक कर सकता है, वो कैसे उसको आगे लेके जा सकता है, ठीक है। तो सैलरी
ये सब चीज के ऊपर काफी आगे वो निकल जाता है. देन दैट टाइम ही ओनली थिंक्स अबाउट द मोरालिटी, क्रिएटिविटी, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है ना. मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो छाप छोड़ना चाहता है. दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. दिस इज द टॉप मोस्ट हायरार्की लीड. ओके, सो इस तरह से जो है हम लोग जो है इसको क्लैरिफाई कर सकता है. फाइव डिफरेंट लेवल से फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो ये सारा मिला के जो है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड बनता है. ओके क्लियर. सो यहाँ पे पॉइंट वाइज कुछ लिखा भी हुआ है, यू कैन चेक इट आउट. पॉइंट वाइज दिया हुआ है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मास्लोज हायरार्की. सो आई होप इट इज लिटिल बिट क्लियर टू यू. एंड ओके, सो इतना ही तक रखते हैं आज. नया कोई एक टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके.